दोस्तों, ये है हमारे हाथ में, आप जो देख रहे हैं ये है रूटिंग हार्मोन। इससे क्या काम आता है, तो हमारे जो कटिंग, किसी भी तरह का आप कटिंग लगाते हैं, बहुत ही आसानी से ये रूटिंग हार्मोन पौधों को ग्रो करता है। और ये हमें कमेंट में हर कोई कहते हैं कि मैडम रूटिंग हार्मोन मिलेगा कहाँ, तो मैडम आप कहाँ रह रहे हैं और हम कहाँ रह रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि रूटिंग हार्मोन मिलेगा कहाँ। तो इसके रिलेटिव में जो आपके घर में सामान है उसके बारे में आज आपको बताएंगे कि जो मार्केट में रूटिंग हार्मोन मिल रहा है उससे भी ज़्यादा दमदार, पावरफुल वो आप घर पर बना सकते हैं। आज इसके बारे में आपसे बात करेंगे, जानकारी देंगे कि इस तरह के अपने घर पर अवेलेबल है, केवल आपको आंखों से पर्दा हटाना है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरा ये जानकारी मिले। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे आपका कटिंग ग्रो नहीं होगा, तो बोलेंगे मैडम हमारा कटिंग तो ग्रो हुआ ही नहीं। आइए बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात, जो आपके घर में सामान लगेगा, जो घर का ही सामान है, तो सबसे पहले ये है, ये हमारा जो आप अंदर में देख रहे हैं ये है दालचीनी। दालचीनी को आपको करना क्या है, आपको रात में भिगो के रख देना है, यानी पानी में डालकर रख देना है। और ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, आपका जो सामने का नीचे का छोर है उसे हल्का हल्का, उसका परत जो है हटा देना है, और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इस तरह का आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जो मार्केट में रूटिंग हार्मोन मिलता है उससे कई गुना आज दमदार बताने वाले हैं। अब इसके लिए क्या करना है, तो आप केले का थंब, ये जो हमारा केला का थंब है, जो केला का पत्ता उगता है उसका डंटी है, उससे भी आप पौधा को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह डालकर, इस तरह से आप डाल लें, और डालने के बाद आप मिट्टी में डाल सकते हैं। एक ये हो गया, दूसरा है आपका हल्दी। हल्दी से भी आप अपने पौधों को, यानी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। उसे भी इस तरह से लगाकर और ऊपर वाले भाग को लगाकर इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा हो गया ये टमाटर। ये हमारा घर का टमाटर हल्का सा छेदा है, तो ये ऐसे भी फेंक देते हैं हम टमाटर, और टमाटर से भी हम ग्रो करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, और हमें करना क्या है, इस तरह से पट करना है, और इसे हमें हॉल करना है इस तरह से। जितना भी आप कटिंग लगाएं, तो मान लेते हैं हम सबसे पहले हल्दी लगाएं, हल्दी लगाने के बाद इस कटिंग में हम डाल दिए, और इसे डुबाने के बाद ऊपर का सुरा में भी डाल दिए। ऊपर इसलिए हम डाल रहे हैं कि ऊपर का जो भाग होता है ऊपर से ही सूखना स्टार्ट हो जाता है। नीचे का ग्रो हो गया पर ऊपर से सुखाकर मार देता है। आप हमेशा कहते हैं कि मैडम हम कटिंग ग्रो करते हैं, मेरा कटिंग नहीं होता है, आपका हो जाता है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ गलती होता है, इसी कारण से हमारा कटिंग ग्रो नहीं होता है। और दूसरा है कि इसे फिर हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे। तो एक टमाटर में दो तरह का हम कटिंग ले सकते हैं। और इसे करना क्या है, इस तरह से मिट्टी में हमें डालना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम ज़्यादा डीपली अंदर नहीं करेंगे, केवल हल्का सा मिट्टी को हम दबा देंगे, और इसका फ़र्क बताएंगे। जो बीज द्वारा आप लगाते हैं, पौधा द्वारा लगाते हैं, और कटिंग द्वारा लगाते हैं, उससे आपका क्या बेनिफिट होता है वो हम सारा बताएंगे। तो इस तरह से आप एक रूटिंग हार्मोन से तैयार कर लिए। दूसरा है हमारा प्याज। प्याज में भी बहुत ही अच्छा सल्फर होता है, और बहुत ही अच्छा ये ग्रो करता है पौधा को। तो इसमें केवल हम एक लेंगे। ये कटिंग हमें क्या करना है, इससे हल्दी को डीपली करना है, और इधर भाग वाला इधर भी डीपली करना है। इस तरह को जो आप तना देख रहे हैं, जो ये डाल है, तो ये डाल हमारा ग्रो हो जाएगा, तो बहुत ही जल्दी इसमें फूल आने लगेगा। तो इस तरह से हम डाल दिए। डालने के बाद ये प्याज का सहित हमको डालना है, तो ये भाग को हमें हटाना है। ये भाग अधि रहा
तो प्याज का अंकुरित फूटने लगेगा और ये हमारे पौधों को हटा देगा। तो इस तरह से एक एक बात बता रहे हैं कि कहीं भी गलती ना हो, अपने पौधा को आप ग्रो कर सकते हैं। इसे भी इस तरह से डाल दिए। दूसरा है हमारा आलू। आलू से भी आप रूटिंग हार्मोन तैयार कर सकते हैं। इससे भी आप दो तरह का आप लगा सकते हैं। आपको आलू को छीलना नहीं है, केवल छिलका सहित लेना है, और छोटा आलू है तो दो भाग कर लें। और इसे क्या करें, कोई सीख के मदद से आप पहले से हॉल कर लें, काहे कि आप उसको करेंगे तो ये जो छिल जाएगा तो हमारा पौधा लगने में दिक्कत करेगा। अब करना है इस तरह से लिए। हर बार में हल्दी का हम उपयोग इसलिए कर रहे हैं, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो तो हमारा पौधा को दिक्कत ना करे। इसे भी हमें क्या करना है, इस तरह का लेना है और इसे डायरेक्ट डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो मिट्टी में भी ताकत लाएगा और हमारा जो डंटी है वो बहुत ही जल्दी ग्रो होगा। इस तरह से। अब आपका सवाल रहेगा कि ये कितना दिन में हो जाएगा। मैडम ये 15 दिन में तो कहीं कहीं से आपको पत्ता निकलने लगेगा, पर उसके बाद पत्ता निकल जाएगा तो आप सोचेंगे हमारा पौधा ग्रो हो गया, हम इसे उखाड़ देंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा गलती ना करें। आपको कम से कम 3 मंथ छोड़ना है। 3 मंथ यानी 5 महीना के बाद इसे आप निकालेंगे, तभी आपको जड़ दिखेगा। क्योंकि ये जो हमारा कोई आम का है, कोई अनार का है, कोई बेल का है, इस तरह का आपको ये हम कटिंग दिखाए हैं। कोई हार सिंगार का पौधा है तो ये सब जो पौधा होता है, ये जो आपका तना दिख रहा है ये बहुत हार्ड होता है, तो बहुत ही जल्दी इसमें जड़ नहीं आता है। हाँ ये बोल सकते हैं इसमें पत्ता वगैरह आपको 15 से 20 दिन में आपको दिख जाएगा, पर इसे उखाड़ना नहीं है। उखाड़ के सोचे कि हमारा पौधा ग्रो हो गया, हम इसे उखाड़ कर दूसरा जगह हम कन्वर्ट करेंगे, तो बिल्कुल भी आपका पौधा नहीं लगेगा। कहीं कहीं ये भी आप गलती करते ही होंगे, तो इस तरह से ये गलती ना करें। ये जो आप अलवीरा हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये भी रूटिंग हार्मोन का स्रोत बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब पुराने समय में कुछ भी नहीं रहता था तो ये सब उपयोग करके अपने पौधों को तैयार करते थे नर्सरी वाले। जब रूटिंग हार्मोन का पाउडर आ गया तो कोई भी इतना मेहनत नहीं करता है। रूटिंग हार्मोन एक डब्बल आए तो आपको सालों चल जाता है, पर किसी किसी का होता है कि कोई ला कर नहीं देता, कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए इस तरह का हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इसे भी हमें क्या करना है, इस तरह कर और इसे भाग फाड़ लें। इस तरह से फाड़ लें। अब फाड़ने के बाद खूब अच्छा से इसे ये कर दें। आप चाहें तो इस तरह डाल दें और आप चाहें तो इसका केवल आप जेल लगा कर इसे खोस दें। इस तरह से। अब आपको ये पानी को वेस्ट नहीं करना, ये पानी को इसी में डालना है। तो थोड़ा सा हम गेंदा फूल के बारे में बता दें। इसका जड़ और पत्ता बहुत लेट से आता है, पर ये जो आप गेंदा फूल का देख रहे हैं, मात्र 1 हफ्ता में ये पौधा ग्रो हो जाता है। इसका जड़ भी आ जाता है, ये विकसित भी होने लगता है। तो ये कारण है इसका कि इसका जो डाल होता है बहुत नाजुक होता है और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इसे भी आप क्या करें, चाहे ये जो दालचीनी का पानी है इसमें आप डाल दें। डालने के बाद इस तरह से आपको कुछ नहीं करना, केवल हल्दी लेना है। हल्दी लेने के बाद इसमें डाल दें। ये केवल हमारा रेत है, ये हमारा यकीन है और विश्वास है कि हमारा कटिंग 1 हफ्ता में ग्रो हो जाएगा और नया पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये है गुलदावरी का पौधा, बिल्कुल एक समान है। जितना दिन में हमारा गेंदा फूल का उगता है उतना हमारा गुलदावरी का उगता है। तो बिल्कुल उसी तरह प्रोसेस है। आपको क्या करना क्या है, इस तरह डालें और
हल्दी में हम डाल दिए, ये भी हमारा हफ्ता दिन में तैयार हो जाएगा। जब इसका सीजन आएगा तो हमारा नया पौधा भी तैयार होगा और इसमें फूल आने लगेगा। तो हम रेत में इसलिए कर रहे हैं कि हमारा इसमें जड़ आ जाएगा तो हम दूसरा गमला में इसे कन्वर्ट कर देंगे। या तो आप इसे सीधा लगाएं, उल्टा लगाएं, जैसे भी लगाएं, बहुत ही आसानी से ही हमारा पौधा ग्रो हो जाता है, केवल हम रेत में दे रहे हैं। तो आप भी इस तरह से अपना पौधा लगा सकते हैं। देखिए ये गुलदावरी का पौधा है, कितना अच्छा इसमें जड़ है, बहुत ही आसानी पौधा है, ये जड़ आता है और हफ्ता दिन के अंदर आ जाता है, नया पौधा हमारा तैयार हो जाता है। जब इसका सीजन आता है तो यही पौधा हमारा 50 से 60 70 80 जितना इसमें फूल रहता है उस हिसाब से माली यानी नर्सरी वाले लोग इसमें पैसा का मांग करता है। तो आप अपने घर में ये तैयार करेंगे तो आपको ढेर सारे पौधे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको बताए थे जो बीज द्वारा हम पौधा को तैयार करेंगे तो उसमें हमें बहुत समय लगेगा, तो ये हमारा जो बीज द्वारा आम है वो तैयार हो रहा है और इसमें समय लगेगा। इसमें हमें क्या क्या पोर्शन करना होगा, क्या क्या स्टेप लेना होगा वो आपको जानकारी देंगे। इतना लंबा हो गया है और इससे हमारा क्या पौधा को नुकसान हो रहा है ये देखें। इसमें पत्ता फूल पत्ता तो आ रहा है पर जब हवा आता है तो एक साइड हवा देता है, कभी एक साइड देता है, तो इससे हमारा पौधा टेढ़ा भागने लगता है। तो इसे सीधा भागने के लिए और इसका तना मजबूत करने के लिए हमें स्टेप इसका काटना होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप यहाँ से कटिंग कर देंगे। आपको लगेगा कि पौधा को तो हम कटिंग कर दिए हैं पर ये पौधा इसका जो तना होता है ये मजबूत होगा हमारा। अभी हमें आम नहीं फरने लगेगा तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो हमारा ये कंची फेंकेगा छोटा ही से, और जब छोटा ही से फेंकेगा तो ये धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो हमें ये गमला में रखना है, तो ये ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है। इससे हमें ढेर सारे पत्ते लेना है, पूजा पाठ में इस तरह का पत्ते लेना है। और जब देखेंगे कि इसका समय हो गया बीज द्वारा से तो 5 साल के बाद ही आम का फरता है, तो हमें 5 साल तक इसे यदि नहीं कटिंग करेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा ये पौधा, खुद पर खुद ये मर जाएगा हमारा पौधा। तो आप बीज द्वारा लगाते हैं तो इसमें बहुत सारा स्टेप करना पड़ता है, बहुत सारा परेशानी होता है और इसके ऊपर के सिरा में हमें हल्दी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का यदि आप बीज द्वारा लगा रहे हैं तो स्टेप बाई स्टेप आपको काटना होगा। जैसे कि ये हमारा ये लीची का पौधा है, इसे भी हम बीज द्वारा उगाए थे तो ये हमारा बहुत छोटा है, इसे हम कटिंग नहीं करेंगे, केवल जो पत्ता खराब है उसे हम हटा देते हैं। इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।